एवरीवन, आई एम पुखराजक शतखना फ्रॉम पिनाकल वास्तु लखनऊ, और आज हम बात करेंगे वास्तु के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हीलिंग एजेंट की, सी सॉल्ट। जी हाँ, वास्तु एक ऐसा इंडियन वैदिक सिस्टम है, एक ऐसा एंशियंट सिस्टम है जो इंश्योर करता है तीन तरह की वेलबींग, हमारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल ऑर्डर। हर इंसान अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को रिटेन करना चाहता है और नेगेटिव एनर्जी को हटाना चाहता है। इस चीज़ का हमको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन इन एनर्जीज पॉजिटिव और नेगेटिव्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारी लाइफ के अप्स एंड डाउन कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट एज वेल एज हमारी खुद की पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं। खाली हमारे इंडियन वैदिक सिस्टम में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड भी, वेस्टर्न मिस्टिक साइंसेस में भी सॉल्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेलिवेंस माना गया है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ रॉ ग्रैन्यूल सी सॉल्ट की। ये सब हम बचपन से सुनते आए हैं कि सॉल्ट में कैसे टेंडेंसी होती है कि वो आसपास की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की क्लींजिंग कर देता है। आज इसी रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगी एक छोटी सी केस स्टडी की। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम मेरे को एक फैमिली ने अप्रोच किया जिसके घर में कॉन्टीन्यूसली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, और उन प्रॉब्लम्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था पैंडमिक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैंडमिक ने हमारी लाइफ में और सबकी लाइफ में इनफैक्ट किसी ना किसी तरह से असर डाला है, और नेगेटिव असर ज़्यादा डाला है। तो एज़ पर जब मैं उस फैमिली से मिली तो उन्होंने मुझे जो ब्रीफिंग दी उसमें मुझे उन्होंने बताया कि कैसे इस पैंडमिक में उन्होंने अपने कुछ बहुत ही खास लोगों को खो दिया। हेल्थ के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी उनके अंदर बहुत फियर बैठ गए। काम के माहौल के कंटेक्स में भी हम जानते हैं कि किस तरह की नेगेटिविटी हो गई ऑल अराउंड। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से होप ख़त्म हो गई थी। देवर फीलिंग होपलेस कि बहुत लगभग साल, डेढ़ साल, दो साल होने को आ गया है और कहीं से कोई भी पॉजिटिव होप नज़र नहीं आ रही है। अब ऐसा लगने लग गया है, इतना डर बैठ गया है लाइफ में कि लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो सिचुएशन बहुत ही वर्स होती जाएगी। उन्होंने मुझे अपने कुछ प्रॉब्लम एरियाज बताए, जिसके लिए मैंने उनसे ये बोला कि आप मेरे को अपने घर का मैप प्रोवाइड कीजिए, ताकि धीरे 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 ये जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं पैंडेमिक की वजह से मेनली जो आई है, और उसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकली यू नो इस पैंडेमिक ने आप पे असर डाला है और आपके अदर एस्पेक्ट्स पे असर डाला है, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। बट किसी भी वास्तु रेमेडी को करने से पहले हम अपने क्लाइंट्स को क्लेंजिंग के लिए, उनके घर के एनवायरनमेंट को यू नो पॉजिटिव बनाने के लिए सी सॉल्ट, दैट इज़ वास्तु सॉल्ट, रॉ ग्रैन्यूल वास्तु सॉल्ट देते हैं, ताकि उसे खूब उसकी क्लींजिंग करें अपने घर की और ऑरा को, अपने घर के ऑरा को क्लीन करें। शायद इस चीज़ को दो तीन ही दिन हुए थे एंड मेरे क्लाइंट का मेरे को कॉल आया और उन्होंने मेरे से ये जो बात शेयर की, ये मेरे लिए भी थोड़ी सी मिराकुलस थी। उन्होंने बताया कि जो लास्ट डेढ़ दो साल से माहौल चल रहा है, उस माहौल में किसी भी तरह की तरक्की नहीं थी। मन में हेल्थ को लेके तो फियर्स थे ही थे, किसी को अपने को खोने को लेके फियर्स थे ही थे, बट उसके साथ साथ लाइफ में अगर हम काम से रिलेटेड, वर्क एरिया से भी रिलेटेड बात करें, तो उनके घर में कोई किसी तरह का प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। उनका बहुत ही यू नो बहुत ही टाइम से उनके बेटे का प्रमोशन रुका हुआ था, और हमेशा कोई ना कोई यू नो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था जिसकी वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। एंड उन्होंने उसके प्रमोशन को होने की उम्मीद एकदम छोड़ दी थी, कि उनको लगा कि भाई आने वाले टाइम में भी हमको नहीं लगता कि उसका प्रमोशन होगा। अभी उनको अपने घर में सी सॉल्ट से क्लींजिंग करते हुए सिर्फ दो या तीन ही दिन हुए थे, और उन्होंने मेरे को ये बोला कि दो तीन दिन बाद ही शाम को अचानक उनका बेटा घर आया और उसने बताया कि अनएक्सपेक्टेडली, जितना वो सोच भी नहीं सकता है, उतना उसका प्रमोशन हुआ। अब यहाँ आइडिया ये नहीं है, मैं ये कहाँ पे किसी मैजिक को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि एनर्जीज लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। जो दो दिन, तीन दिन उनके घर का ऑरा क्लेंज हुआ,
उससे उनके लाइफ में आने वाले ऑब्स्ट्रक्शन भी धीरे धीरे हटने लगे, और अनएक्सपेक्टेडली जो उनको उम्मीद भी नहीं थी, जो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, वैसी एक रे ऑफ होप, एक हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आई। और उन्होंने इतना इस चीज़ के लिए इतना ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड किया कि इट इज़ लाइक सीरियसली अ वेरी लॉन्ग टाइम जब हमने हर तरह की होप खो दी थी। एंड उस तरह के माहौल में जब इस तरह की खुशखबरी मिलती है तो इंसान के साइकोलॉजिकल फिजिकल वेलबींग पे जो असर पड़ता है, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। इस केस स्टडी, छोटी सी केस स्टडी से मैं आपको रेलिवेंस बताना चाह रही हूँ एनर्जी का, मैं आपको रेलिवेंस बताना चाह रही हूँ सी सॉल्ट का। अब मुझसे पूछेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। आप चाहें तो एक क्रिस्टल बॉल में या कांच के बॉल में आप सॉल्ट, फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट को अपने घर के चार कॉर्नर्स में रख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इंटेंस मॉपिंग कर सकते हैं, अपने घर की क्लेंजिंग कर सकते हैं। यू कैन स्प्रिंकल, आप सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दें अपने घर में, थोड़ा टाइम छोड़ दें और अच्छे से उसकी अपने घर की धुलाई कर दें, या सिंपल मॉपिंग करें। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप मॉपिंग करेंगे सी सॉल्ट से, वास्तु सॉल्ट से, वो आपको थर्सडे को नहीं करना है। इसके अलावा अगर पर्सनली भी किसी इंडिविजुअल को अपने अंदर बहुत नेगेटिविटी महसूस होती है तो ट्यूसडे सैटरडेज को वो सी सॉल्ट से बेदिंग भी कर सकता है, इससे भी कहीं ना कहीं उसको रिलीफ मिलेगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो बातें हमारे वैदिक सिस्टम में हैं, ये यूं ही नहीं है, इनका वाकई ही एक इम्पॉर्टेंस है, इनका वाकई ही एक रेलिवेंस है जो हमको समझना होगा। और ये छोटा सा फैक्ट कैसे आपकी लाइफ को बदल सकता है, कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम तो नहीं। सो आई वुड रिकमेंड इन जनरल कि जो वास्तु सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट होता है, इसको हमको अपने मंथली ग्रॉसरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लेना चाहिए। हम इतनी चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं, क्यों ना हम थोड़ा सा पैसा स्पेंड करके अपने आसपास के, अपने एनवायरनमेंट की एनर्जीज़ को रेगुलेट करें। आई होप आपको समझ में आया होगा द रेलिवेंस, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सी सॉल्ट इन मेंटेनिंग द एनर्जी, स्पेसिफिकली द पॉजिटिव एनर्जी इन आवर लाइफ। Thank you.